लॉकडाउन के इस दौर में जब हर कोई नौकरियों के छिन जाने और रोजगार खत्म होने की बातें कर रहा है, तो ऐसे में नागौर जिले के कुचामन सिटी की कुछ युवतियां एक नजीर बनकर सामने आई हैं, जो मुश्किलों के सामने डटे रहने का सबक सबको दे रही है। उन्हीं में से कुचामन सिटी की दो बहनें भी हैं, जो परिवार को कमजोर आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए कोरोना संकट के इस दौर में सब्जियां बेच रही हैं। धापू और पिंकी नाम की इन दोनों बहनों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। वहीं कुछ ऐसी ही कहानी रुखसाना की भी है, जो सब्जी बेचकर पूरे परिवार को संकट से उबारने का लक्ष्य रखती है। हैरानी की बात यह है कि तीनों युवतियों के परिवारों को किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जब हमारे संवाददाता ने इस मामले में उपखंड अधिकारी से बात की, तो उन्होंने जल्द ही इस मामले में जांच करवाने और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया है। कितने महीने? चार महीने। सरकार से क्या सहायता मिली आपको?